अजमेर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आयोजित होगी कांस्टेबल परीक्षा। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशन ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। प्रदेश में कल से शुरू होने जा रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अजमेर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अजमेर के पुलिस लाइन मैदान में भर्ती परीक्षा से जुड़े परीक्षा संचालकों का अंतिम प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जानकारी देते हुए अजमेर SP कुमार राष्ट्रदीप ने कहा कि अजमेर में इस भर्ती परीक्षा के लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में 6 से 8 नवंबर तक किया जाएगा, जिसमें यह परीक्षा प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा पूर्ण रूप से निष्पक्ष आयोजित होगी। साथ ही उन्होंने परीक्षा में भाग ले रहे अभ्यर्थियों से भी अपील की है कि वह किसी भी भर्ती गिरोह के झांसे में ना आए। इसके साथ ही इस परीक्षा को लेकर इंटरनेट बंद होने की भी संभावना है। जी सर, 6-7-8 को कांस्टेबल की परीक्षा है, अजमेर में किस तरह की व्यवस्था है और कितने केंद्र बनाए गए हैं? देखिए, अजमेर में कुल 23 केंद्र बनाए गए हैं। हर जगह पर जो निर्धारित मापदंड है उनके अनुसार जाप्ता लगाया जाएगा। हमारे पास में जहाँ पर पेपर रखा जाएगा वो स्ट्रांग रूम है, जहाँ पर की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उस दिन जो भी अभ्यर्थी आएंगे उन अभ्यर्थियों की प्रॉपर फेस्टिंग और चेकिंग होगी, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री लेकर अंदर नहीं जा पाए जो कि नकल करने में उसकी हेल्प कर सकता हो। मैं अभ्यर्थियों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस बात का ध्यान रखें कि यदि वो कोई भी गलत सामग्री लेकर के आते हैं केंद्रों पर, तो पहले तो उन्हें केंद्र में ही अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और अगर गलती से वो प्रवेश कर भी जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तक की जा सकती है अगर वो नकल के प्रयास करते हैं। तो अपने भविष्य का ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई भी अटैम्प्ट नहीं करें, किसी भी प्रकार की नकल करने की कोशिश या किसी ऐसे व्यक्ति ऐसे गिरोह के चुंगल में आने की गलती नहीं करें जो आपको दिलासा देता हो या जो आपसे कहता हो कि इतने पैसे दे दोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि इस पूरे सिस्टम में पूरी व्यवस्था जो है आउटसोर्स की गई है एक अदर एजेंसी को जो कि रिटर्न एग्ज़ाम लेगा। बाकी सारी व्यवस्था जो है वो पुलिस मुख्यालय से मॉनिटर हो रही है। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति आपको पैसे दिलाकर नौकरी नहीं दिला सकता है। तो यदि कहीं कोई आपको गुमराह कर रहा है तो उसके बारे में पुलिस को सूचित करें। यदि कोई आपका साथी ये दावा करता है कि उसे तो नौकरी मिल जाएगी क्योंकि वो पैसे दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हमें बताएं, क्योंकि हो सकता है कोई गिरोह आपको गुमराह करके आपका फ़ायदा उठा करके आपसे पैसे ले लेने की कोशिश कर रहा हो, जबकि उसके पास ऐसी कोई भी ना तो पहुंच है ना क्षमता है कि वो आपको नौकरी दिला सके। तो उनसे ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के चंगुल में आकर के कोई गलत काम करते हैं तो पुलिस बहुत ही सख्ती के साथ में मुकदमा दर्ज करके आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, जिससे कि आप भविष्य में भी हर परीक्षा के लिए निरुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसी गलती भूल से भी नहीं करें। बाकी हर जगह पर पूरी व्यवस्थाएँ रहेंगी, पूरी सुरक्षा के इंतज़ाम के साथ साथ चेकिंग के पूरे इंतज़ाम होंगे, कहीं पर कोई नकल नहीं कर पाए, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा। देखिए, एक रूटीन प्रशिक्षण है जिसमें कि किस प्रकार से हमें सारी प्रक्रिया करनी है उसकी ट्रेनिंग है, जिसमें कि वो लोग जो कि इस परीक्षा को संचालित करने से जुड़े हुए हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो सही से संचालित कर सकें। एग्जाम के दिन क्या नेट बंद रहेगा क्योंकि लोगों में समय बना पड़ा है को लेकर? देखिए, नेट बंद करने की जो बात है, निश्चित रूप से पुलिस जो है इस स्तर तक भी जा सकती है। हम नेट बंद कराने की कार्यवाही भी कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत कुछ इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि उस समय तक क्या स्थितियां सामने आती हैं, लेकिन अभी सभी लोग ये मानकर चले कि उस दिन नेट बंद हो सकता है।